न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब मुख्य न्यायाधीश यानी CJI का ऑफिस भी सूचना के अधिकार यानी RDI के दायरे में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चीफ जस्टिस का दफ्तर एक पब्लिक अथॉरिटी है। न्यायिक व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के सवाल पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। हालांकि निजता और गोपनीयता का हवाला देकर इसमें कुछ शर्तें जोड़ी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ जिसमें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एस खन्ना, जस्टिस गुप्ता, जस्टिस DY चंद्रचूड और जस्टिस रमन्ना शामिल है, उन्होंने इस फैसले को पढ़ा। हालांकि जस्टिस संजीव खन्ना के द्वारा लिखे गए फैसले पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस दीपक गुप्ता ने जहां इस पर सहमति जाहिर की, तो वहीं जस्टिस रमन्ना और जस्टिस DY ने कुछ मुद्दों पर अपनी अलग राय व्यक्त की। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 124 के तहत इस फैसले को सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा 2010 में दिए गए फैसले को भी बरकरार रखा। आपको बता दें, ये पूरा मामला दरअसल एक दशक पुराना है। एक RTI एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने 2007 में RTI डालकर जजों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा था, लेकिन उन्हें RTI से जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का रुख किया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने कहा कि RTI से मांगी गई जजों की संपत्ति की जानकारी सुभाष अग्रवाल को दे देनी चाहिए। CIC के इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी CIC के फैसले को बरकरार रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में यह फैसला सुनाया, सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील की, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में इस सवाल के जवाब में यह फैसला सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि RTI के तहत जवाबदेही से पारदर्शिता बढ़ेगी और साथ ही ये भी कहा कि इससे ये भाव भी मजबूत होगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, फिर चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्यों न हो। न्यूज़ के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।